हेलो व्यूवर्स, आज लेयर फार्मिंग के डे 9 के साथ मैं हाज़िर हूँ। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब ये 9वां दिन यानी कि दूसरा वीक हमें स्टार्ट हो चुका है। उसका सबसे पहला काम हमने ये किया है कि सेकेंड वीक में लेयर फार्मिंग में चूज़े को, जो ब्रीड को जो टेम्परेचर चाहिए होता है, वो होता है 85 डिग्री फारेनहाइट। मतलब फर्स्ट वीक में जो हमें चाहिए था 92 से 95 तक चाहिए था, अब सेकेंड वीक में हमें चाहिए 85 डिग्री फारेनहाइट। अब उसके लिए हमने ये किया है कि हमने ये भट्टी जो ओवन हमारे पास पड़ा हुआ है इसको हमने बंद कर दिया है। और दूसरे नंबर पर हमने ये किया कि हमने पर्दे जो हैं ऊपर से हटा दिए हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि दो दो फिट ढाई ढाई फिट पर्दे हमने नीचे कर दिए हुए हैं, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी, ताकि वेंटिलेशन होती रहे और हमें हमारा डिज़ायर्ड टेम्परेचर मिलता है। अब चूँकि बाहर तपिश ज़्यादा है, तपिश ज़्यादा होने की वजह से हमने ये पर्दों का जो है ज़्यादा नीचे कर दिया, ताकि इनको ज़्यादा गर्मी ना हो और टेम्परेचर हमें 85 तक आराम से मिलता रहे। और उसके साथ साथ जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हमने कल इनकी डीबिकिंग करवाई है, यानी कि इनकी जो है चूँचें हैं हमने, वो आप ये देख सकते हैं इनकी चूँचें जो हैं वो सब कटी हुई हैं। इन सब चूज़ों की चूँचें हमने काट दी हुई हैं, और उसके बाद ये आपके सामने, अब हमने दरमियान में जो पार्टीशन थी वो भी ख़त्म कर दी है। अब ये चूज़े आज़ाद फिर रहे हैं अपने इस पूरे इसमें, एक एक, अब दो हमने चार पार्टीशंस की जगह पे दो पार्टीशंस कर दिए। बाकी आप बखूबी देख सकते हैं कि चूज़ा माशाल्लाह एक्टिव है, हेल्दी है, ख़ुद से खा पी रहा है, खुराक पानी पानी में अभी तक वाइटामिन चल रहे हैं। उसके अलावा हमने एक बुखार की दवाई जो इसमें शुरू की हुई है, सी फ्लोरा। इसके बाद जो वैक्सीनेशन हमने की हैं उसकी सारी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन किस किस दिन हमने इनको की है। मतलब फ़र्स्ट डे का ट्रीटमेंट, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ट्रीटमेंट के हवाले से मैं एक पूरी इसकी बायोग्राफी बना के आपके साथ शेयर करूँगा। या मज़ीद आप कोई इस बारे में कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में कर सकते हैं, इस बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी मैं फ्राहम करूँगा। कल इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा आपके साथ 11वें दिन के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।